साथियों, मैं नजाकत अली कंभौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आज आपके सामने बिजनौर लोकसभा का मैं इतिहास रखने जा रहा हूं। आजादी के बाद से सन 2008 तक बिजनौर लोकसभा का एक शानदार इतिहास रहा है। 2009 के बाद बिजनौर लोकसभा को दो लोकसभा, नगीना और बिजनौर लोकसभा में बांट दिया गया है। जानते हैं आजादी के बाद से 2008 तक का बिजनौर लोकसभा का सफर, मैं बताता हूं आपको। बिजनौर लोकसभा का सफर, बिजनौर लोकसभा पर 5 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है तथा 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा है तथा 2 बार लोकदल तथा 1-1 बार सपा और बसपा का भी कब्जा रहा है। मगर बद अफसोस, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बिजनौर लोकसभा पर निर्विरोध और निर्दलीय उम्मीदवारों का भी कब्जा बरकरार रहा है। देश की जानी मानी हस्तियां स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, श्रीमती मीरा कुमार जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और बहन कुमारी मायावती जी ने अपना राजनीतिक करियर बिजनौर की मिट्टी से ही पहली बार चुनाव लड़कर बनाया था। अन्य निर्वाचित लोकसभा बिजनौर उम्मीदवार भी अन्य क्षेत्र यानी बाहर से ही आकर चुनाव लड़े थे और जीते भी हैं। आपको याद रखना होगा कि जीते भी हैं बाहरी लोग आकर। बिजनौर की जनता ने हमेशा ही बाहरी उम्मीदवार को पसंद किया है। ये कहिए कि बाहरी उम्मीदवार ने बिजनौर की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम बखूबी किया है। बिजनौर लोकसभा ने और बिजनौर की जनता ने अपने उम्मीदवारों को भारत का नेता बनाया, लेकिन जिला बिजनौर की जनता को उन नेताओं ने सुविधाओं के साथ जनता को वो दर्जा कभी नहीं दिया जिसके लिए बिजनौर की जनता हकदार थी। शायद नेता नहीं चाहते होंगे कि बिजनौर की जनता जागरूक होकर शायद उसको नकार न दे। वो चाहते तो बिजनौर को हाईटेक सिटी बना सकते थे, लेकिन कैसे बनाते? वो बिजनौर की मिट्टी में पैदा ही नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें इस मिट्टी को छोड़ दिया और बाद में केवल जनता से झूठा वादा कर जनता का वोट अपनी पार्टी को देने के लिए ही केवल वो मंचों पर आते रहे हैं। बिजनौर की जनता को बार बार धोखा दिया जाता रहा है झूठे वादे कर, लेकिन बार बार बिजनौर की जनता को कभी गठबंधन के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर, तो कभी जाति के नाम पर, तो कभी पार्टी के नाम पर, तो कभी डर के नाम पर भारी उम्मीदवार को वोट देकर अपना स्वयं का भविष्य उनके हाथ में देते रहे हैं। लेकिन भारी नेताओं को बिजनौर की मिट्टी से नहीं बल्कि अपने पद और अहंकार से लगाव था, तभी तो बिजनौर को वो दर्जा नहीं दिला पाए जो रामपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली आदि जिलों को मिला है। आजादी के बाद का इतिहास गवाह है, ना तो क्षेत्रीय राजा ने जनता का भला किया है और ना ही बाहर के आए हुए उम्मीदवारों ने इस क्षेत्र का भला किया है। भला तो वही कर सकता है जिसको अपने जन्म या कर्म की मिट्टी से लगाव हो। अब फिर एक डर का माहौल बनाया जाएगा, फिर से एक बाहरी उम्मीदवार को लाया जाएगा, फिर जनता से झूठा वादा किया जाएगा, फिर से एक बाहरी उम्मीदवार को बिजनौर की जनता पर थोपा जाएगा। सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, डर बढ़ता रहेगा, क्योंकि बिजनौर में लगभग 75% पिछड़ी जाति की आबादी को फिर से अयोग्य घोषित किया जाएगा, फिर से बाहरी उम्मीदवार को लाया जाएगा। मगर अफसोस है कि यहाँ 85% के रहने वाले SC ST और OBC समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो फिर भी पिछलग्गू बने हुए हैं, इसलिए अपने वोट की ताकत को पहचाने, अपनों में से अपना नेता बनाए।